हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केसरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी टीजीटी और पीजीटी से संबंधित तैयारी करा रहा हूँ। मैं बहुत तरीके से वीडियोस डाल रहा हूँ, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या सीक्वेंस है। तो मैं कहना चाहूँगा कि सारे जितने भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ सबका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट पे चले जाइए। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं खोज पा रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर जो मेरा पॉइंट दिखता है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद वहाँ पे प्लेलिस्ट आप 2-3 बार साइड करेंगे तो प्लेलिस्ट आएगा। उस प्लेलिस्ट में मैं बता रहा हूँ, तो मैं एक तरफ एमसीक्यूज, मिक्स एमसीक्यूज, जो ऑल टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसके वैराइटीज़ ला रहा हूँ जो कि मैंने पिछले वीडियो में डाला रखा था, और उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स बता रहा हूँ जैसे कि मैंने एक ही वीडियो में आपके सारे ट्रेनिंग मेथड्स जो होते हैं उनके इन्वेंटर्स के नेम और वो ट्रेनिंग मेथड किसके लिए यूज़ होता है ये सारा एक वीडियो में बताया है। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उसको देख लें, तभी अच्छा लगेगा। और एक तरफ मैं थ्योरी के पार्ट को लेकर चल रहा हूँ, तो थ्योरी के पार्ट में हमारा जो लास्ट टॉपिक था मैंने स्ट्रेंथ को पूरा कंप्लीट कर दिया है। स्ट्रेंथ में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, उसके बाद मैंने कुछ मेथड्स बताए थे पिछले वीडियोज़ में, थोड़े शॉर्ट में मेथड थे, तो जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी वीडियोस अब नहीं समझ में आ रहा था, बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन था, तो मैं थोड़ा सा उसको लार्ज करके लाया हूँ और रिवीजन भी हो जाएगी आपकी पिछली वीडियोस की। तो चलिए पिछले वीडियोस की भी रिवीजन करते हुए चलते हैं और कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो प्लीज़, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं और मेरे लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, आप वहाँ मुझे व्हाट्सअप पे हाय लिख के भेजिए, मैं आपको अपने तैयारी वाले ग्रुप में जोड़ लूँगा और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने अब तक पढ़ाए हुए हैं मैं उसी के दे सकता हूँ और वही नोट्स आपको मिलेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग मैं फुल कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊँगा। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम लोगों ने लास्ट में आइसोमेट्रिक, आइसोटॉनिक, आइसोकैनेटिक के बारे में पढ़ा था। चलिए तो आज स्टार्ट करेंगे, तो देख सकते हैं कि किस तरीके से स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग होती है। स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो किस तरीके से। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है ना, जनरली स्ट्रेंथ के बढ़ाने के लिए क्या, देखिए स्ट्रेंथ किसका प्रोडक्ट होता है, स्ट्रेंथ जो होता है ना वो हमारे मसल्स का प्रोडक्ट होता है। तो इसका मतलब जब भी हमें स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा तो हमें मसल्स को बढ़ाना होगा। और मसल्स कैसे बढ़ते हैं, मसल्स बढ़ते कैसे हैं, मसल्स को बढ़ाने के लिए मसल्स पे मसल फाइबर्स की थिकनेस को बढ़ाना पड़ता है, और मसल फाइबर की थिकनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो उनके अंदर टेंशन क्रिएट किया जाता है। और वो टेंशन कैसे क्रिएट करते हैं, तो वेट के थ्रू। आप भी देखिए, आप भी अगर कभी भी कोई वेट लीजिए, स्टैटिक लीजिए, चाहे किसी भी तरीके से कोई भी वेट अगर अपने मसल्स पे देते हैं, तो उस मसल्स के बाद क्या होता है कि आपके मसल फाइबर्स के अंदर क्या होते हैं कि टेंशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वही टेंशन से डेली प्रैक्टिस करने से और वही टेंशन क्रिएट कराने के 3 मेथड होते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि जब तक आप अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वेट आपको देना पड़ेगा। विदाउट वेट ट्रेनिंग आपकी स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाया जा सकता है, यानी कुछ ना कहीं वेट, चाहे वो खुद की बॉडी वेट क्यों ना हो, जरूरी नहीं कोई इक्विपमेंट्स का वेट हो, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आपको वेट देना है। वेट के बाद जब आपके मसल्स में टेंशन होता है तो उस टेंशन को हम 3 फॉर्म में क्रिएट करते हैं। इसे हम आइसोमेट्रिक, आइसोटॉनिक, आइसोकैनेटिक को हम मस्कुलर ट्राइब भी कहते हैं या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं इन द ट्रेनिंग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला होता है आइसोमेट्रिक, आइसोटॉनिक। आइसोटॉनिक के 2 होते हैं, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक, और एक होता है आइसोकैनेटिक। तो ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, थोड़ा सा मैं रिवीजन कर दिया। आगे चलते हैं और नेक्स्ट की तरफ चलने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने शॉर्ट में बताया था कि आईसो का क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको शॉर्ट में ये सारी चीज़ें बताई थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको देख ले, वहाँ पे चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये दोनों चार्ट हमने समझ लिया था, एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा डीप में थोड़ा पढ़ लेंगे। तो देखिए, आइसोमेट्रिक मतलब क्या होता है ना कि हमने मसल्स को टेंशन दिया, लेकिन वो टेंशन क्या हो रहा है, वो टेंशन हमारे मसल मतलब हमारे फाइबर्स में टेंशन तो क्रिएट कर रहा है,
और टेंशन क्रिएट करने से क्या होता है कि टेंशन क्रिएट करने के बाद हमारे मसल फाइबर की थिकनेस बढ़ जाती है। नंबर ऑफ मसल फाइबर्स कभी नहीं बढ़ता है। कभी भी अगर ऑप्शन में आता है कि वेट ट्रेनिंग अप्लाई करने से क्या मसल्स की बढ़ जाती है, नंबर ऑफ मसल फाइबर्स बढ़ते हैं, तो ये कभी नहीं हो सकता है क्योंकि ये एक रेशियो में ही हमारे बॉडी में रहता है। तो आपको समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड यहाँ से एक बार पढ़ लेते हैं, हिंदी वाले भी पढ़ लेंगे, मैंने उनके लिए भी देखा है कि इन अभ्यासों को पहली बार 1953 में हैटिंगर और म्यूलर के द्वारा पेश किया गया, ठीक है, मतलब उनके द्वारा खोजा गया था। आइसोमेट्रिक दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसो प्लस मैट्रिक। आइसो मतलब होता है समान और मैट्रिक मतलब होता है मांसपेशियों की लंबाई। तो यानी कि किसी भी तरह का आप मांसपेशी में टेंशन दें, वेट दे, लेकिन उनकी समान लंबाई हो। कहने का मतलब क्या है, मैंने बताया ना कि तीन तरीके हैं। देखिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमको वेट तो देना ही देना है, लेकिन वो वेट देने के तीन फॉर्म है। तो पहले वाले बोला कि वेट दीजिए लेकिन मसल से कोई मूवमेंट ना कराइए, तो ये हो गया पहला फॉर्म आपका, ठीक है। इसके बाद संदर्भित करता है, ठीक है, आगे देख लेते हैं और भी है। आइसोमेट्रिक अभ्यास में मांसपेशियों की गति दिखाई नहीं देती है, ठीक है, और इन अभ्यासों में क्या होता है कि इन्हें अभ्यास किया जाता है तो मांसपेशियां अपनी लंबाई नहीं बदलती हैं, ठीक है। तो जैसे अगर इसका एग्जांपल है तो सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखिए कि जब आप दीवार को धक्का मार रहे हो, किस तरीके से आपने दीवार को धक्का दिया, और जब धक्का दे रहे हैं तो आपके मांस में मतलब आपके मसल्स में टेंशन तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन क्या आपके मसल्स की लेंथ चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। तो ये पहला फॉर्म था। दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप दो बाल्टी पानी उठाते हैं इस तरीके से दोनों हाथों में, तो पानी को उठाने में वेट तो आपने दिया हुआ है, तो इसका मतलब जैसे ही आप अपने मसल्स को वेट देते हैं ना, तो मसल्स के अंदर क्या होता है, टेंशन क्रिएट होने लगता है। तो इसे आप समझिए कि पहले टाइप का है जिसमें हमें वेट देना है, मसल में टेंशन कराना है, बट मसल्स के मूवमेंट नहीं कराने हैं, दैट इज़ द फर्स्ट टाइप। तो बहुत शॉर्ट में समझते हैं क्योंकि मैंने पिछले बार बता दिया इसको, जो बच्चे देखेंगे कहेंगे सर बार बार इसी चीज़ को बता रहे हैं, तो एक बार फिर से मैं चाह रहा हूँ कि देख लीजिए। और नेक्स्ट हमारा है कि आइसोटोनिक एक्सरसाइज। अब दूसरा फॉर्म ये कहता है ना कि आप अपने मसल्स पे टेंशन दीजिए, यानी कि वेट दीजिए, मसल्स में टेंशन क्रिएट करिए, और टेंशन क्रिएट के साथ साथ क्या करना है आपको कि उसके मूवमेंट भी कराने हैं, लेकिन वो मूवमेंट दो प्रकार से कराइएगा, वो मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो आइए तो बात कर लेते हैं, आइसोटोनिक में यही तरीका होता है कि इसमें जब हम बॉडी को वेट देते हैं, इन अभ्यासों को 1954 में डिलूने के द्वारा पेश किया गया था। दुनिया में आइसोटोनिक दो शब्दों से लिया गया है, ठीक है, जो आइसोटोनिक है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आइसो, ठीक है, यानी आइसो का मतलब होता है समान। जब भी आइसो एक मतलब ग्रीक भाषा लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है समान, इसको आप नहीं लेकर चलिएगा। और टॉनिक का मतलब है स्नायु या स्वर, मतलब कि जो समान उसके अंदर के लेंथ होंगे वो चेंज होंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टोन, ठीक है। यहाँ पे टॉनिक का मतलब होता है टोन से, तो जो टोन होगा वो समान होगा, मतलब जब अपवर्ड मूवमेंट करेंगे तो भी समान रहेगा मतलब, और नीचे जब जाएगा तो वहाँ भी समान। तो अलग अलग मतलब मूवमेंट के द्वारा क्या होता है, टोन चेंज होते रहते हैं मूवमेंट के साथ। तो इस टॉनिक आइसोटोनिक अभ्यास में मांसपेशियों के जो मूवमेंट्स हैं उनको हम आंदोलनों को सीधे देखा जा सकता है। यहाँ पे आंदोलन को मूवमेंट्स है क्योंकि हिंदी कन्वर्ट हुआ है, तो वहाँ पे लिख दिया इस तरीके से। तो इन अभ्यासों में काम किया जाता है, आइसोटोनिक व्यायाम मांसपेशियों को टोन करता है, ठीक है। अब मसल्स टोन क्या होता है, एक थोड़ा सा ये बात समझ लेते हैं कि आपने देखा होगा कि हम लोग नॉर्मल लोग होते हैं, जो लोग जिम जाते हैं, ठीक है, तो जो लोग जिम जाते हैं उनके बॉडी में हमारे बॉडी में क्या फ़र्क होता है, तो हमारे दोनों बॉडी में उनके मसल्स पहले से ही बहुत खींचे खींचे होते हैं, यानी कि रेस्टिंग पोजीशन में भी सेमी कॉन्ट्रैक्शन में होते हैं उनके मसल्स, दैट इज़ अ मसल्स टोन, ओके। और आगे बात करते हैं, मांसपेशी अपनी लंबाई बदलती है, इसमें क्या होगा कि जब हम मसल्स पर टेंशन देंगे तो एक बार ऊपर एक बार नीचे। अब इसके दो फॉर्म होते हैं, तो कौन कौन से दो फॉर्म होते हैं इसको समझ लेते हैं। तो पहला होता है कॉन्सेंट्रिक और दूसरा होता है इसेंट्रिक, यानी कि जब भी आप क्या करेंगे ऊपर की तरफ लाएंगे, यानी कि मसल्स के ये फ्लैक्स करेंगे, यानी कि कम करेंगे लंबाई ऊपर की तरफ जब आएगा तो इसे कॉन्सेंट्रिक कहेंगे, और जैसे ही हम नीचे जाते हैं डाउनवर्ड की तरफ तो उसे इसेंट्रिक कहेंगे, एक्सटेंशन हो रहा है इसी वजह से। तो इस बात को आप समझ लीजिए, तो यानी जब ऊपर जा रहा है तो मसल्स के नीचे की रिलैक्स कर रही है और ऊपर के मसल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा आप देख सकते हैं, और इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं।
तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। आर्म कर्लिंग है, स्क्वाट है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हम लोग आते हैं तीसरे पार्ट में। देखिए बहुत सारे बच्चों को आइसोटॉनिक के यहाँ पर मैंने दो बता दिए हैं, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक कि जब आपका ये मूवमेंट जो हो रहा है डाउनवर्ड जा रहा है इस तरीके से, तो ये कॉन्सेंट्रिक होता है। याद करने का तरीका बताया क्या, कैसे आप डिफाइन करेंगे कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है। तो कॉन्सेंट्रिक मतलब कि जब आपके जोड़ का एंगल यानी जो ज्वाइंट्स के एंगल है वो कम हो, उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, तो कॉन्सेंट्रिक यानी कम होना, कॉन्सेंट्रिक का से याद रखिएगा। ठीक है, तो आप आसानी से डिफाइन कर लेंगे, इसको याद करने का ये तरीका है। और दूसरा हम देखेंगे इसेंट्रिक। अब क्या हो रहा है, देखिए अब आपकी जो हाथ है वो नीचे की तरफ इस तरफ जाएगा, तो ये हो गया हमारा इसेंट्रिक। यहाँ पे जो फिगर है वो कॉन्सेंट्रिक का है, इस वजह से ऐसा लग रहा है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और अब देख लेते हैं आइसोकैनेटिक। तो मैंने भी बताया था कि आइसोटॉनिक में भी क्या होगा कि मसल्स के ऊपर प्रेशर देंगे। मसल्स के ऊपर प्रेशर देने के बाद क्या करेंगे कि प्रेशर को हम दो फॉर्म में देंगे, मतलब मूवमेंट्स कराएंगे। ठीक है, प्रेशर दिया, मसल्स को टोन किया, उसको दो फॉर्म में कर रहे थे। लेकिन आइसोटॉनिक आइसोकैनेटिक में डिफरेंस क्या है, आइसोटॉनिक आइसोकैनेटिक में डिफरेंस ये है कि आइसोटॉनिक में सिर्फ 10 रिपीटेशंस आपको बाइसेप कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है कि कभी मूवमेंट्स आपका अपर में हो जा रहा है, आपने पाँच रिपीटेशंस किया, उसके बाद आपका हाथ यहाँ आ गया, तो जो मसल्स का प्रेशर था ना वो क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे आता है। तो इसीलिए क्या होगा कि अगर आप मशीन से करेंगे और एक रिदम में करेंगे तो वहीं पर प्रेशर जाएगा जहाँ पर आप मसल्स के टोन अप करना चाहते हैं और जिस मसल्स के स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, फाइबर्स के थिकनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो पार्टिकुलर उसी पोजीशन पे ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टॉनिक और आइसोकैनेटिक दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बस एक है कि वो रिदमिक फॉर्म में होता है, जबकि दोनों के ही मतलब जो होते हैं मसल्स की, जब उस पर हम स्ट्रेंथ दबाव या वेट देते हैं दोनों ही मूवमेंट कर सकते हैं, यानी डायनेमिक होते हैं। और दोनों में बस यही चेंज है कि जो आइसोकैनेटिक होता है वो एक रिदम में होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में होता है, और आइसोटॉनिक में ऐसा नहीं है, उसमें सिंपल एक मूवमेंट करते हैं 1 2 3 4, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप मशीन पे करेंगे तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में होगा, इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं हम लोग तो मसल्स पे देकर। तो आप इसको देख सकते हैं कि अब जो आइसोकैनेटिक था वो जे पैरिन ने आइसोकैनेटिक को आविष्कार किया था। इसका अभ्यास विशेष रूप से डिज़ाइन की गई मशीन पर किया जाता है। आइसोकैनेटिक शब्द दो शब्दों से लिया गया है, आइसो मतलब समान, ठीक है, और कैनेटिक मतलब मशीन यानी मोशन, सेम मोशन। तो यानी जब ऊपर जा रहा है तो भी मोशन है, नीचे जा रहा तो भी सेम मोशन पे काम कर रहा है, यानी एक ही मोशन पे रिदम से कॉन्टिन्यूस जब प्रेशर पड़ता है तो उसे आइसोकैनेटिक कहा जाता है। इन अभ्यासों में मांसपेशियों के अनुबंध या गतिशील आंदोलन से संयुक्त होते हैं। तो अब बहुत ज़्यादा हिंदी है, आप ऊपर इंग्लिश भी पकड़ सकते हैं, तो मैं दोनों लेके चलता हूँ, ऐसा नहीं है कुछ बच्चों को बुरा लगता है, अब बहुत सारे तरह के बच्चे हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कोई भी आप मशीन से एक्सरसाइज करते हैं, रिदमिक करते हैं, मतलब कि स्ट्रेंथ आपने यूज किया और कई दफ़ा उसको दोहरा रहे हैं उसी एक फॉर्म में, तो स्ट्रेंथ के साथ यानी मसल्स पे टोन होना चाहिए, तो उसे हम कह सकते हैं आइसोकैनेटिक एक्सरसाइज। जैसे रोविंग भी हो सकता है और स्विमिंग भी हो सकता है, ये भी एक तरीके से हम आइसोकैनेटिक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये हो गए हमारे, इसके साथ एक स्ट्रेंथ और होती है तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है, तो ये समझिएगा कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है ना वो कोई प्रकार का कोई स्ट्रेंथ है नहीं, तो वो क्या होता है, एक अलग से होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये होता है सिंपली इट इज रेशियो विच वी गेट बाय डिवाइडिंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ विद बॉडी वेट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादातर आपने देखा होगा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है कि जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते हैं, अब कॉम्बैट स्पोर्ट्स क्या होता है आपको ये भी समझना है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स यानी जो भी विरोधी वाले खेल होते हैं, यानी कि जिसमें दो अपोनेंट आपस में फाइट करते हैं या आपस में प्रतिद्वंद्वी करते हैं, उसे हम कॉम्बैट स्पोर्ट्स कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जो प्रतियोगिताएँ होती है उसमें अपोनेंट के वेट का मतलब दोनों के वेट में एक रेशियो होना चाहिए, तो वो रेशियो से हम कैसे निकालते हैं, वो रेशियो निकालने का फॉर्मूला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ और बॉडी वेट। तो इसीलिए हम लोग वेट कैटेगरी बनाते हैं कि उस वेट कैटेगरी में लगभग मैक्सिमम वेट मतलब मैक्सिमम वेट इतना जा सकता है या स्ट्रेंथ उतनी होगी, तो इस वजह से हम लोग बनाते हैं। तो जो भी आप एग्जांपल ले सकते हैं इसके,
तो स्पोर्ट पर्सन एग्जांपल वेट कैटेगरी स्पोर्ट्स लाइक रेसलिंग, टेक्वांडो, कराटे, वेट लिफ्टिंग, वुशू, किक बॉक्सिंग, तो ये सब जो गेम्स हैं इनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये हम लोगों ने सारे स्ट्रेंथ को पढ़ लिया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और कुछ और भी चीज़ें हैं मेरे पास, उसको देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ या फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ, दोनों बात एक ही है। यहाँ फिजियोलॉजिकल वर्ड जुड़ने से आप सीधा सा मतलब समझेंगे, फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस। तो फिजियोलॉजी मतलब कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो जिम्मेवार होते हैं, किसके लिए, स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आइए हम उनको देख लेते हैं, यानी किन के अच्छा होने से हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन ऐसे ऑर्गन और सिस्टम्स हैं जो स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहला हम बता दें आपको मसल्स कंपोजिशन। मसल कंपोजिशन क्यों है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर दो प्रकार के मसल फाइबर्स पाए जाते हैं। नंबर वन वाइट मसल फाइबर्स और नंबर टू स्लो ट्विच फाइबर्स यानी रेड मसल फाइबर्स। तो इन दोनों का रेशियो होता है। तो ये जो आप स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ना, ये फास्ट ट्विच मसल फाइबर जिसके अंदर रेशियो ज़्यादा होगा, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी क्योंकि जल्दी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइज ऑफ मसल्स। तो आपने देखा होगा कि जो हैवी पर्सन होता है उसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। और क्रॉस सेक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स क्रॉस सेक्शन, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, साइज ऑफ मसल्स से भी होता है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आपको ये मैं नोट्स दे दूंगा, इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स, तो जितनी तेजी से आपके नर्व इम्पल एक्साइट करेंगे आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, एक्साइटेबिलिटी जितनी अच्छी होगी, ठीक है, उतना बढ़िया आपके अंदर स्ट्रेंथ जागेगा, मतलब स्ट्रेंथ आएगा। तो ये सब आपके फैक्टर्स हैं। बॉडी वेट एंड स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि जो लोग जिम जाते हैं उनके स्ट्रक्चर, उनके मसल स्टोन पहले से ही रहते हैं, तो उनके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट है मसल्स क्रॉस सेक्शन। मसल्स क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि ये जो मसल्स आप देख रहे हैं जो फिट किए गए हैं, तो जितनी लेंथ होगी मसल्स की ना उतना, क्योंकि ये स्टडी में पाया गया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ मसल्स प्रोड्यूस 4 to 6 kg वेट, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। और नेक्स्ट हमारा है एनर्जी सप्लाई टू द मसल्स। तो मसल्स क्या करते हैं कि जितनी अच्छी आपके एनर्जी सप्लाई होगा मसल्स को, मसल्स ने जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करके और ATP मतलब ब्रेक डाउन करके उतना बढ़िया फोर्स को एग्जर्ट कर सकती है। तो आज का हमारा क्लास ये कंप्लीट हो गया। अब आपको मुझे नहीं लगता है कि स्ट्रेंथ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली मुझे बात कर सकते हैं या कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं वहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और बहुत ही जल्द मैं लाइव क्लास लेने वाला हूँ, तो आपको अगर मेरे लाइव क्लास से भी जुड़ना है, अगर आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे मोबाइल नंबर पे हाय लिखे मैसेज करिए, आपको लाइव क्लास वाले ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।